भाई साहब, ये देखिए कितने सारे टूरिस्ट जा रहे हैं क्रूज में। आई लव माई कश्मीर। हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो गाइस अभी 3:30 बज चुके हैं, सुबह से मैं वेट कर रहा था बारिश थमने का, क्योंकि यहाँ पे ना कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा अगर बारिश देखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, इसलिए उठना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बारिश को रखते हैं साइड में और आज मैं आपको दिखाऊंगा स्मार्ट सिटी का वर्क। स्मार्ट सिटी के वर्क के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए स्मार्ट सिटी के ऊपर, लेकिन जो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा ना, वो वर्क आपने नहीं देखा होगा। तो आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कहां कहां पे स्मार्ट सिटी का वर्क कंप्लीट हुआ है और कहां कहां पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो उन जगह का स्मार्ट सिटी वर्क दिखाऊंगा आपको जो आपने आज तक वीडियो में नहीं देखे होंगे किसी भी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फिर जाते हैं स्मार्ट सिटी दिखाने के लिए। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस जो कि आज का वीडियो है ना, आज का वीडियो पूरा स्मार्ट सिटी वर्क के ऊपर ही होने वाला है। आज मैं ज्यादा बातें सब नहीं करूंगा, खाली स्मार्ट सिटी का वर्क दिखाऊंगा। ठीक है, अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन अगर मैं लोकल जाऊंगा ना तो नहीं दिखा पाऊंगा पूरा वर्क, इसलिए मैं फ्रेंड की स्कूटी लूंगा, इसी पे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आया बाटामालू का वर्क दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे ना डिवाइडर बनाया गया है, सड़क के बीच में रिंग बनाया गया है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता था, इस वजह से यहाँ पे ये बनाया गया है। ये देखिए, ये भी स्मार्ट सिटी वर्क ही है। ये देखिए पाथ्स बनाए गए सड़क के बीच में, ये देखिए। तो गाइस ये देखिए, ये रहा बाटामालू का मेन मार्केट, वहां से मार्केट है और मार्केट के बिल्कुल सामने बन रहा है कॉम्प्लेक्स। ये ना बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है 1-2 साल लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। ये देखिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, ये देखिए वहां से स्टार्ट हो रहा है ताकि वहां तक। ठीक है, तो यहाँ पे आर्ट गैलरी बन रही है, ये देखिए अभी भी वर्क हो रहा है। मैंने यहाँ पे वर्कर से बात की तो बोला 1-2 साल लगेंगे इसमें कंप्लीट होने में। मैं आज आपको स्मार्ट सिटी जो मेन वर्क हुआ है ना, वही आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, ये देखिए। यहाँ पे जोरों शोरों से काम हो रहा है बाटामालू में, ये देखिए यहाँ पे आर्ट गैलरी बन रही है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए वहां से भी काम चल रहा है, यहाँ से भी काम चल रहा है, यहाँ से लेके वहां तक के प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। गाइस मेरे जूतों की हालत देखो क्या हुई, कीचड़ से। तो गाइस आप पहुंचा मैं घंटाघर के पास, ये देखिए घंटाघर का काम भी कम्प्लीट हो चुका है। ये जो क्लॉक टावर यहाँ पे बनाया गया है, ये देखिए उसको क्लॉक लगाया गया है, ऊपर से वो छत भी लगाया गया है, ये देखिए उसका टॉप जो है वो भी लगाया गया है, और चारों तरफ से क्लॉक्स लगाए गए हैं, ये देखिए। तो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, अब बस वो थोड़ा सा वो करना पड़ता है, ऊपर से फिनिशिंग वो हो रही है इस पे, अभी भी उसके अंदर थोड़ा सा काम चल रहा है, बाकी कंप्लीट हो चुका है, बस 5% का काम इस पे पेंडिंग है, बाकी कंप्लीट हो चुका है। उधर से भी क्लॉक लगाए गए, यहाँ से भी चारों तरफ से इसको क्लॉक्स लगाए गए हैं। तो गए जैसे कि मैंने आपको बोला कंप्लीट हो चुका है वर्क, अब यहाँ पे कलरिंग का काम चल रहा है, ये देखिए बाकी कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए यहाँ से रोड साइड से अभी भी काम चल रहा है, ये देखिए। तो गए अब पहुंचा मैं पोलो व्यू, यहाँ का स्मार्ट का वर्क कंप्लीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे वीडियो बनाना पड़ा। ये देखिए यहाँ पे जो स्मार्ट प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, इसका मैंने बहुत बार व्लॉग चढ़ाया नाइट के टाइम, लेकिन आज दिन के टाइम देखिए, नाइट के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि नाइट के टाइम ये पूरा चमकता है ना लाइटों की वजह से। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल मार्केट है, ये पोलोयू मार्केट। हाँ अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन नाइट के टाइम ना और भी ज़्यादा भीड़ होती है। तो चलिए गाइज अब जाते हैं यहाँ से वापस। तो गाइस जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें मिलती है, ट्रेडिशनल वो फेरन ये सब मिलता है, मतलब सब कुछ मिलता है यहाँ पे, जो भी कश्मीरी ट्रेडिशनल चीज़ें ना वो यहाँ पे मिलती है। और जो डेलीगेट्स आए थे ना बाहर से, उन्होंने भी यहाँ पे शॉपिंग की। तो गाइस ये रहा पोलोवी का बैक साइड, ठीक है। तो जब से यहाँ पे स्मार्ट सिटी का वर्क हुआ है ना, जो यहाँ के शॉप्स वाले हैं ना, उनको बहुत ही बेनिफिट हुआ स्मार्ट सिटी वर्क जब से किया गया, कि यहाँ पे ना तब से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, चाहे वो टूरिस्ट हो या लोकल। तो गाइस स्मार्ट सिटी वर्क से पहले ना पूरा ट्रैफिक पोलोवी साइड ही जाता था, जहाँ से वो मार्केट दिखाया मैंने, अब यहाँ से दूसरा रोड बनाया गया, अब सारा ट्रैफिक यहाँ से आता है। ठीक है, पहुंचा मैं संडे मार्केट के पास, ये देखिए यहाँ से ना पूरा संडे के दिन मार्केट लग जाता है, स्ट्रीट मार्केट लग जाता है यहाँ से। यहाँ से भी देखिए पास का काम किया गया है, ये देखिए हर तरफ से, और वहाँ से भी देखिए। अभी पहुंचा मैं TRC के पास, यहाँ से ना जम्मू के लिए, लद्दाख के लिए सोमो ये सब जाती है, टैक्सी जाती है, और यहाँ से देखिए क्या डिज़ाइन किया गया है, ये देखिए ये ब्रिज के नीचे ये सारा डिज़ाइन किया गया है, देखिए वहां से भी स्मार्ट सिटी वर्क किया गया है, मुझे लगता है ये बैठने के लिए है यहाँ पे, ये देखिए सड़क के बीच में। हाँ पहुंचा अभी गुफकार साइड से, ये देखिए
और मैं जा रहा हूँ वो भी निशात की तरफ, क्योंकि मैंने आज की वीडियो में आपको बोला आज मैं आपको सिमास्टी का वो वर्क दिखाऊंगा जो आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा, इसलिए मैं निशात की तरफ जा रहा हूँ सिमास्टी वर्क दिखाने के लिए। पहुंचा मैं डल लेक के पास और बारिश भी स्टार्ट होने लगी है और यहाँ से देखिए फाउंटेन। आज भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है वहाँ से टूरिस्टों की, शिकारा राइड करे वहाँ से। आई लव माई कश्मीर। वैसे जो यहाँ पे फाउंटेन है ना, इसको शाम के टाइम लाइट्स भी होती है, तो शाम के टाइम ना और भी मस्त लगता है ये। वैसे जो आपको डल लेक के बीच में दिख रहा है ना, ये SKICC जो बाहर से डेलीगेट्स आए थे ना, उनकी मीटिंग यहीं पे हुई थी, G20 मीटिंग। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये रहा SKICC, यहाँ से एंट्री SKICC में जाने की। तो गाइस SKICC से थोड़ा सा आगे है जेट स्की पॉइंट और यहाँ पे क्रूज भी है, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है टूरिस्टों की, ये देखिए गाइस। ओ भाई साहब, ये देखिए कितने सारे टूरिस्ट जा रहे हैं क्रूज में। और ये निकली क्रूज भी, ये देखिए भाई। बारिश के टाइम इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ से, लेकिन जब मौसम ठीक होता ना उस टाइम आप पूछो ही मत कितनी ज्यादा भीड़ होती है यहाँ से। ओ भाई साहब, इसने तो लहरें बना दी यहाँ पे समंदर की तरह। तो गाइस मैं पहुंचा अभी निशात गार्डन के बिल्कुल सामने, ये देखिए यहाँ से मार्केट है जहाँ पे फूड ये सब मिलता है। और यहाँ पे देखिए फाउंटेन बनाया गया है और यहाँ से भी सिमास्टी वर्क चल रहा है, ये देखिए पूरा जोरों शोरों से यहाँ से वर्क चल रहा है। और यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है टूरिस्टों की। ये देखिए ये रहा निशात गार्डन और यहाँ से भी वर्क चल रहा है, देखिए वहां से भी वर्क चल रहा है। और भीड़ देखिए यहाँ से भाई, टूरिस्टों की भीड़ देखिए गाइस, लाइन देखो यहाँ पे कितनी बड़ी लाइन है यहाँ पे गाड़ियों की, ये ना सारे टूरिस्टों की गाड़ियाँ है। ये देखिए देखिए ये पूरा पाथ बनाया गया है यहाँ पे, यहाँ पे ना बहुत टाइम से काम चल रहा था सिमास्टी का, तो यहाँ से भी कम्प्लीट हुआ है, ये देखिए। और गाइस ये चेक करो, यहाँ पे लगाया गया है हैशटैग डल लेक, जैसे हैशटैग कश्मीर हैशटैग श्रीनगर लगाया गया है, यहाँ पे लगाया गया है हैशटैग डल लेक, ये देखिए। तो गाइस अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ पे भी दिखाएंगे आपको सिमास्टी वर्क, उसके बाद गाड़ी चलते हैं क्योंकि बारिश यहाँ बहुत ही तेज हो रही है। जैसे निशात गार्डन को यहाँ से सिमास्टी वर्क चल रहा है ना, वैसे ही वहाँ पे भी वर्क किया गया है शालीमोर गार्डन में भी, वहाँ पे भी मुगल गार्डन है, वहाँ पे भी सिमास्टी वर्क किया गया जो कि मैंने उसका व्लॉग चढ़ाया, ठीक है। और वो देखिए वहाँ से डबल डेकर बस यही पे टर्न करती है, वापस लेती है डल लेक तक। तो गाइस ये रहा बुलवार्ड रोड, ये देखिए यहाँ से अभी सिमास्टी का वर्क थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये ना बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, ये जो रोड है ना ये यहाँ तक था, अब यहाँ से पार्ट थोड़े से बड़े किए गए ताकि यहाँ से चार्टर्ड बाइसिकल जो यहाँ से डाले गए वो साइकिल भी यहाँ से चल सके आराम से और वॉक भी कर सके और रोड भी अच्छा बनाया जाएगा यहाँ से। यहाँ से सिमास्टी का वर्क कम्प्लीट होगा ना, ये जब पार्ट से सब अच्छे से बनाए जाएंगे तो यहाँ से ना अलग ही मजा आएगा साइकिलिंग करने में वॉक करने में। बारिश देखिए गाइस कितनी तेज बारिश हो रही है। और ये देखिए ये कैसे पाथ्स बनाए गए, ये ना वो ब्रिज टाइप बनाए गए नीचे से पिलर्स ये सब उसी पे ये पाथ्स बनाए गए हैं, ये देखिए। शालीमोर गार्डन से भी सिमास्टी का वर्क किया जा रहा है, उसका व्लॉग मैंने इससे पहले चढ़ा है। जो जो मेन था ना सिमास्टी वर्क जहाँ जहाँ पे किया जा रहा है वो मैंने आपको सब कवर किया इस वीडियो में। तो अब मैं जाता हूँ वापस घर क्योंकि बहुत ही तेज बारिश हो रही है, आप मिलते हैं सीधे घर में। मैं पूरा भीग चुका हूँ, अंदर से भी सारे कपड़े खराब हो चुके हैं, लेकिन राजबाग का वर्क आपको दिखाना जरूरी है। ये देखिए बारिश में भी यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ है। और यहाँ पे देखिए बैठने के लिए बनाया गया है और फ्लावर बेड देखिए, और वहां से देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है, चाहे वो टूरिस्ट हो या लोकल, बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये देखिए गाइस हैशटैग कश्मीर यहाँ पे भी लगाया गया है। तो गाइस यहाँ का व्लॉग ना मैंने इससे पहले भी चढ़ाया नाइट के टाइम, क्योंकि नाइट के टाइम ना यहाँ पे बहुत ही चमकता है, लाइट्स ये सब होती है, ये देखिए जो यहाँ पे लगाया गया ना डिजाइन इस पे लाइट्स होती है, और नाइट के टाइम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, ये देखिए जो लगाया गया ना यहाँ पे इस पे लाइट्स होती है। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत ही स्मार्टली वर्क किया गया, ये देखिए यहाँ पे डिजाइन ये सब लगाए गए है, ये नाइट के टाइम ना बहुत ही चमकता है, कलर्ड लाइट्स आती है इसमें, बटरफ्लाई डिजाइन लगाया गया है, इसमें भी लाइट्स आती है शाम के टाइम। भीड़ ना यहाँ पे काफी ज्यादा है मौसम खराब होने के बावजूद, यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है।
तो गाइज फाइनली पहुंचा मैं घर, इतनी बारिश में मैं निकला वीडियो उठाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे गाइज आप लोगों के लिए, ताकि मेरी वीडियो में कोई कमी ना रहे, इसलिए प्लीज़ गाइज पूरा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ना मैं आगे जा पाऊंगा। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मैं ना कोशिश करूंगा पूरा कश्मीर एक्सप्लोर करने के लिए और साथ में इंडिया भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। गाइज बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है, मैं करता हूँ आज की वीडियो को यहीं पे एंड, उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय।